हे एवरीवन, हाउ यू ऑल। सो कैसे हो आप लोग। सो जिस बुक की हम बात कर रहे हैं उस बुक का नाम है समथिंग आई नेवर टोल्ड यू, और ये बुक लिखी है श्राव्या भिंदर ने। सो लास्ट वीडियो हमने देखी थी वीडियो नंबर 1। अब यहाँ से शुरुआत होती है वीडियो नंबर 2 की, और ये है बुक में चैप्टर नंबर 2, और इस चैप्टर का नाम है निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन नई दिल्ली अगस्त 2017। अब जो रोनी होता है वो कहता है, क्या 30 रुपये? क्यों 30 रुपये? क्यों बात तो 25 रुपये की हुई थी ना जब मैं ऑटो में पहले बैठा था, और मैं ना 20 रुपये हर दिन देता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें तब भी 5 रुपये एक्स्ट्रा देता हूँ क्योंकि मैं काम के लिए लेट हो रहा था, बस मेरे पास इतने ही पैसे हैं। और वो ना ऑटो वाले पे बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है क्योंकि उसके पास ना बिल्कुल भी इतना टाइम नहीं होता कि भाई वो इसके साथ बकवास करे, लेकिन जो ऑटो वाला होता है ना वो बिल्कुल अड़ा हुआ होता है कि भाई इसकी जो सुबह ख़राब हुई है ना उसको और ज़्यादा मैं ख़राब कर दूंगा, क्योंकि वो ये जान चुका था कि जो ये बंदा है ना ये लेट हो रहा है भाई ऑफिस के लिए, तभी उसने 25 रुपये बोले जबकि नॉर्मली 20 रुपये जाते हैं। और जब उसने वो 20 रुपये दिए ना तो वो और पैसे मांगने लगा। अब जो ऑटो वाला था ना वो कहता है, भैया बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था आज। और ये ना एक तरीके का रिस्पॉन्स था ना जो वो पहले से ही तैयार करके मन में बैठा होगा, और ये कहने के बाद ना वो हंसने लगता है, और जैसे ही वो स्माइल करता है ना उसके सारे दांत दिख जाते हैं। और उसके पीछे का मकसद ये होगा ना कि भाई सुबह सुबह थोड़े ज़्यादा पैसे कमा सके, क्योंकि अगर उसको बिल्कुल भी चिंता होती ना कि मैं क्या कह रहा हूँ तो वो मुझसे कभी भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं खोलता, क्योंकि जब वो एक्स्ट्रा पैसे मांगने के लिए अपना मुँह खोल रहे ना तो उसके तंबाकू भरे दांत दिखाई दे रहे हैं जो कि बिल्कुल लाल पीले हो चुके हैं, और वो अपने दांतों से ना अपने मुँह से किसी को भी डरा सकता है। और जो उसके दांत थे ना वो काफ़ी ज़्यादा थे, बिल्कुल टेढ़े मेढ़े एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए। अब रॉनी क्या करता है ना अपना सारा ध्यान हटा के उसके दांतों से अपने ऊपर लेके आता है कि फटाफट क्या करूँ मैं इसको पैसे दे दूँ। वो फटाफट ना अपनी सारी जेबें खंगाल रहा होता है कि कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिल जाए मैं इसको दे दूँ, क्योंकि वो आज ना काम के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, और ये पहला दिन था जब उसका नया मैनेजर आने वाला था उसके साथ उसको मिलना है। और उसको ये लगता है ना कि भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है अगर मैं आज अपनी जॉब बचा भी पाऊंगा या नहीं बचा पाऊंगा, क्योंकि आज ही पहले दिन ही मेरा इंप्रेशन बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाला है। और ये कोई ना छुपाने वाली बात नहीं है, जो नया मैनेजर है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, क्योंकि उसको ना डिसिप्लिनरी एक्शंस लेने में बड़ा मज़ा आता है, और हो सकता है ये ना उसकी खाली हॉबी हो कि भाई कोई भी अगर लेट आया ऑफिस में तो भाई उसके खिलाफ एक्शन लो। और उसको ये लगता है ना कि भाई कहीं आज मेरी जॉब ना चली जाए क्योंकि वो लोग मुझसे ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करेंगे। और अभी कुछ ही दिन हुए हैं जब मुझे मेरा पहला डेबिट कार्ड मिला था, क्योंकि जब आप कंसल्टिंग फॉर्म में काम करते हो ना तो सर्वाइव होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप फ्रेशर हो ना तब तो चीज़ें आपके लिए आसान होंगी, क्योंकि अगर आप लेट भी आओगे ना तो आपको तो वैसे भी कुछ नहीं आता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मैं सेकंड कैटेगरी में आता हूँ, मेरा नाम है रॉनी डी, और हाँ मैं कोई म्यूजिशियन नहीं हूँ, लेकिन मैं म्यूजिशियन बनना चाहता था जब मैं 5 साल का था। और एक्चुअली मैं सच कहूँ तो मेरा नाम है रौनक धोड़ी, और कई सालों तक ना मेरे नाम का बड़ा मजाक बनाया गया था, इसलिए मैंने अपना नाम ना कॉलेज में चेंज कर लिया था रॉनी, ताकि जो मेरे फ्रेंड्स हैं ना उनको ये लगे कि भाई इसका नाम कितना कूल है। और सच बताऊँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट मेरी ज़िंदगी में ना बस 2 ही अच्छे मेरे दोस्त थे, और वो दोनों ही ना मेरे कज़न्स हैं जिसके साथ मैंने अपनी ज़िंदगी बिताई है, मैं उनके बारे में बाद में बात करूंगा। अब वो क्या करता है ना जल्दी जल्दी अपने सारी पॉकेटों में ना पैसे खोज रहा होता है कि भाई कुछ तो पैसे मिल जाए। पहले अपनी पैंट की जेब चेक करता है, फिर शर्ट की जेब चेक करता है, लेकिन उसको कहीं कोई पैसा नहीं मिलता। वो क्या करता है ना अपना पर्स अच्छे से खंगाल रहा होता है, पर्स में ना उसके बड़ी मुश्किल से एक जो छोटा सा साइड होती है ना वहाँ पर 2 रुपये का सिक्का मिलता है। फिर वो और देखता है ना तो उसको 2 रुपये और मिल जाते हैं, टोटल हुए 4, लेकिन अभी भी उसको 1 रुपये और चाहिए था। अब वो सोचता है कि 1 रुपये कहाँ से लाऊँ, वो फटाफट अपना बैग खोलता है, और जैसे ही वो बैग मेट्रो स्टेशन के बाहर खोलता है ना तो उसको लगता है कि भाई जितनी मेरी गरीबी थी ना वो सब दिखने वाली है अब। और उसको बस अपने लैपटॉप के बैग में ना कुछ नहीं मिलता सिवाय लैपटॉप के और मेट्रो कार्ड के। अब वो कहता है ना आखिरी बार ड्राइवर को कि भाई देख मेरे पास ना सिर्फ 4 रुपये हैं, बस इतने ही पैसे मेरे पास। अब वो क्या करता है ना उसको लगता है कि भाई ये मौका अच्छा, चलो एटलीस्ट जितने उतने तो मिल रहे हैं। और वो क्या कहता है, चलो ठीक है भैया मैं 4 रुपये ले लूँगा, और उसके पास ना कोई ऑप्शन नहीं होता, वो क्या ही बोले। वो फटाफट अपना सारा सामान लैपटॉप के बैग में डालता है और फिर वो ना जाने लगता है मेट्रो में। और जाता थे ना वो अपने आप से कह रहा होता है रोनी कि आज का दिन तो साला सबसे ख़राब दिन है इतिहास का मेरी ज़िंदगी में। और जब वो मेट्रो स्टेशन पे जा रहा होता है ना तो भाई मेट्रो स्टेशन पूरा खाली होता है जब वो सीढ़ियों से जा रहा होता है। ऐसा नहीं है कि जो लोग हैं वो ट्रैवल नहीं कर रहे, लोग आज भी बहुत है, लेकिन सारे लोग ना एस्केलेटर लेते हैं और वो ना सीढ़ियों से जा रहा होता है, क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं जो सीढ़ियों से जाते हैं। और जैसे ही वो मेट्रो स्टेशन के दरवाजे पहुँचता है ना कि जहाँ पे आप कार्ड अपना लगाते हो, जैसे वो अपना कार्ड ढूंढता है उसके पास कार्ड ही नहीं होता, और वो बिल्कुल परेशान हो जाता है कि मेरा कार्ड कहाँ गया। वो आगे वाली जेब चेक करता है, पीछे वाली जेब चेक करता है, अपनी शर्ट की जेब चेक करता है, लेकिन उसको उसका कार्ड ही नहीं मिलता। और उसको लगता है कि मेरा कार्ड गया कहाँ, थोड़ी देर पहले तो मैंने अपना मेट्रो कार्ड देखा था। और फिर वो अपने दिमाग में लगाता है शिट, उसको याद आता है कि मैंने अपना मेट्रो कार्ड कहाँ देखा था, वो मैंने देखा था जब मैं ऑटो वाले से बाहर बहस कर रहा था। और वो मन में सोचता है कि वो शायद वहीं पर गिर गया होगा और मुझे फटाफट जाकर देखना पड़ेगा। और वो कहते हैं ना कि भाई अगर आपका सामान दिल्ली में कहीं गिर गया हो, कुछ सेकंड के लिए भी गिरा हो ना, तो आपको वो सामान कभी भी वापस नहीं मिलने वाला। और उसके अंदर पूरे 130 रुपये थे, और अगर ज़िंदगी में ना उसको कभी उस कार्ड की शक्ल दोबारा से देखने को मिल गई ना तो समझ लो वो एक जादू ही होगा उसकी ज़िंदगी में। वो क्या करता है ना बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, फटाफट वापस आता है, पूरे जो स्टेयर्स होते हैं ना सीढ़ियाँ होती हैं वहाँ देख रहा होता है, फुटपाथ पे देख रहा होता है, लेकिन उसको कहीं पे भी नहीं मिलता। और वो कहता है ना शिट शिट शिट, उसको समझ नहीं आता कि वो करे क्या। उसने 3 बार शिट इसलिए बोला होता है ना, सबसे पहली बात कि एक तो वही मेट्रो स्टेशन के बाहर यहाँ पे फंस चुका है, दूसरा उसके पास कोई भी पैसे नहीं है कि वो जा सके, चलो टोकन खरीद लिया मेट्रो का, और तीसरी बात वो काम के लिए लेट हो रहा है। अब वो सोचता है ना कि चलो मैं वापस घर चला जाता हूँ, लेकिन वो तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा। और वो कहते हैं ना कि डेस्परेट टाइम्स में आपको डेस्परेट मीजर्स लेने पड़ते हैं,
और वो सोचता है मेरा घर यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, मैं कोई पहले भी एथलीट नहीं था ना ही मैं आज एथलीट हूँ। और एक गरीब आदमी क्या करेगा, वो वॉक करेगा, शायद तभी कुछ हो पाया, वो ना दिल में थोड़ी सी उम्मीद होती है कि चलो एक बार मैं देख लेता हूँ। अब वो क्या करता है, जो सीढ़ियाँ होती है ना, अब उस पर एक लड़की बैठी हुई होती है कोने पर, और जो उसके बाल होते हैं ना, उसके बाल उसके आगे होते हैं तो उसका चेहरा दिख नहीं रहा होता, उसके लंबे लंबे बाल होते हैं, और वो ना अपने बालों में हाथ डाल के ना ऐसे जुल्फे लहरा रही होती है, और जब उसके हाथों को देखता है ना तो उसके हर उंगली में ना एक अंगूठी होती है, और जो उसकी इंडेक्स फिंगर होती है ना उसमें एक गोल्ड की रिंग होती है जिसमें ग्रीन सफ़ायर होता है, और उसने ना आज व्हाइट कलर का कुर्ता पहन रखा होता है, सलवार पहन रखा होता है, और वो ना अपने ख्यालों में फ़ोन पे इतनी बिजी होती है कि उसको बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा होता। जो उसका ब्लू कलर का दुपट्टा होता है ना वो सीढ़ियों पर पड़ा हुआ होता है, धूल मिट्टी साफ़ कर रहा होता है, लेकिन उन्हें आज काम के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, उसको ऐसा लगता है ना कि आज तो मेरी जॉब चली जाएगी, लेकिन वो वहाँ खड़ो के ना उसको देख रहा होता है, और जब वो उसके बालों को देखता है, जिस तरीके से वो बैठी होती है उसको देखता है ना, उसका दिल ना बहुत तेज़ी से धड़क रहा होता है, क्योंकि उसको पता है कि वो उसको जानता है। और जैसे ही ना रौनक की आंखें उसकी जूती पर जाती हैं तो भैया उसको पता चल चुका था कि ये है कौन, और उसको ऐसा लगता है ना कि अभी शाहरुख खान का गाना प्ले होगा, वो यहाँ पे ना डांस सीक्वेंस शुरू कर देगा, और जब उसका ध्यान जाता है ना जो उसका दुपट्टा होता है उसके नीचे उसका मेट्रो कार्ड होता है, उसको लगता है कि भाई ये किसी का ही मेट्रो कार्ड हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक इस मेट्रो कार्ड के अंदर पैसे होंगे और मुझे मुझे मेरी जहाँ मुझे जाना है वहाँ छोड़ देगा ना, तब तक तो ये मेरा है, मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। और उस लड़की को बोलता है ना एक्सक्यूज़ मी, और वो लड़की ऐसे बैठी होती है ना सीढ़ियों पर मेट्रो स्टेशन के, जैसे कि ये मेट्रो स्टेशन उसके बाप का हो, वो ना अपना सर उठा के उसको देखती है, और उसने अपना फ़ोन ना एक गाल से दूसरे गाल पे ले आती है। जब उन दोनों की आंखें मिलती है ना तो जो रॉनी होता है उसको सब कुछ 2015 की बातें दोबारा से यादें आने लगती हैं, और वो ना बिना कुछ सोचे उसका नाम बोलते, कहते हैं अधीरा, और वो उसको ऐसे देख रही होती है ना कि जैसे ये कोई ना एक साइकोपैथिक स्टॉकर हो कि भाई मुझे मेरा पीछा पीछा कर रहा हो ये। तो इस नोट पर होती है ये वीडियो ख़त्म, एंड आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, सो थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।